दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ भरतपुर रोड पर। बगड़ त्राय से मात्र 3 किलोमीटर निकलने के बाद में यहाँ पर हमारे गांव की भाषा में इसको छेमोरा बोलते हैं, यानी कि बहुत तेज गति से पीछे मेरे घूम है। और ये जो मैंने मास्क लगा रखा है दोस्तों, ये कोई कोरोना की वजह से नहीं लगा रखा है। यहाँ से जो भी कोई राहगीर निकलता है तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त बदबू आती है, और बदबू इस कारण से आती है कि प्रशासन की गलती की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से गलती आती है। क्योंकि अलवर के जो नगर परिषद है, उन्होंने अलवर शहर से जितने भी जो पशु मरेंगे, चाहे वो किसी भी प्रजाति का पशु हो, उसको मृत पशु का जो ठेका छोड़ रखा है उसके लिए अपशिष्ट के लिए ठीक मेरे दाई और इधर एक जगह बना रखी है। वो यहाँ से मेन रोड से 500 मीटर की दूरी पर है। तो जो पशुओं का ठेकेदार है वो, उसको हड्डियों की आवश्यकता होती है, तो उन हड्डियों को नज़दीक से उठाने के लिए इस बनाए हुए अपने स्थान पर नहीं ले जाता है, और इस रोड पर बिल्कुल मेन रोड पर पटक देता है, जिससे राहगीरों को बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और इन मृत पशुओं की वजह से आवारा कुत्ते इनको खाने के लिए आ जाते हैं, और वो कुत्ते इनको खाते हैं तो इस रोड पर आ जाते हैं रात के अंधेरे में, और दिन में भी ये अचानक मोटरसाइकिलों के सामने आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ दुर्घटनाएँ होती हैं। प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दोस्तों मेरा आप सभी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को जिला कलेक्टर अलवर और जो SDM साहब रामगढ़ हैं उन तक पहुँचाएँ। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहता हूँ कि एक कुत्ता हमने अभी इधर देखा है, इसको भी दिखाने की कोशिश करें, ये देखिए किस तरह से ये कुत्ते यहाँ आ जाते हैं। और मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल इधर से अलवर साइड से रोड में बस आई है, और बिल्कुल इसके पास में, मुझसे यहाँ रुका नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको प्रशासन को चेताने के लिए, आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये देखिए यहाँ से कितने बदबूदार माहौल इन्होंने कर रखा है, और भी पीछे देखिए कितने मृत पशु पड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक के मात्र 10 मीटर की दूरी भी नहीं है इनकी। और ये देखिए बीच रोड पर ये जो आवारा कुत्ते हैं, इनके जो अपशिष्ट है, इनकी हड्डी आए, इनको खींच खींच कर इस तरह से रोड पर ले जाते हैं। देखिए ये भी एक पशु का हड्डी पड़ा हुआ है, और बिल्कुल ठीक किनारे सड़क के पास में यहाँ से जो भी कोई राहगीर निकलता है उसको ऐसे नहीं बदबू होती है। देखिए दोस्तों मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, रुका भी नहीं जा रहा है, आपको वीडियो में नहीं देखा जाएगा। ये देखिए बिल्कुल रोड के पास में पड़ा है, और यहाँ से जो भी राहगीर जा रहा है उसको ज़बरदस्त बदबू आ रही है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को प्रशासन तक पहुँचाने की कृपा करें और कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि प्रशासन को चेताया जा सके, और यहाँ से जो राहगीर हैं उनको इस दुर्गंध से मुक्ति मिले। इसमें आप लोगों का सभी का सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।